नमस्कार। वीकेंड लेक्चर सीरीज में मैं डॉक्टर अमिताभ सिंह एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे राइट टू रिकॉल की और भारत में उसके वर्जन नो कॉन्फिडेंस मोशन की। इस लेक्चर में आज ये देखेंगे कि आखिर कहते किसे हैं राइट टू रिकॉल और नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब क्या होता है। फिर इसके बाद आएगी बात कि आखिर इसके इतिहास में क्या है, हमारे देश के अपने इतिहास में क्या नो कॉन्फिडेंस मोशन या राइट टू रिकॉल की चर्चा हुई है। फिर बात करेंगे भारत में बिफोर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट, संविधान सभा के बैठने के पहले क्या हुआ, संविधान सभा में क्या हुआ, और इसके बाद देखेंगे नो कॉन्फिडेंस मोशन पार्लियामेंट के स्तर पर, नो कॉन्फिडेंस मोशन स्टेट्स के लेवल पर, और फिर बात करेंगे नो कॉन्फिडेंस मोशन गांव सभा या ग्राम पंचायत के लेवल पर। क्या आखिर गांव सभा ग्राम पंचायत में जो प्रधान हैं, जो मुखिया हैं, इनको कैसे हटाया जा सकता है, इनको अपने पद से समय के पहले कैसे हटाया जा सकता है, इस बात को देखेंगे। इसके बाद बात उठेगी कि आखिर नो कॉन्फिडेंस मोशन की मेरिट्स क्या हैं। अभी तक 11 राज्यों में थर्ड टीयर जो लोकतंत्र है, जो तीसरे स्तर का लोकतंत्र हमारे गांवों में म्युनिसिपैलिटीज में लगा हुआ है, वहां पर इसे लागू किया गया है नो कॉन्फिडेंस मोशन को। अगर इसे पूरे देश के बाकी सारे राज्यों में लागू कर दिया जाए और जनता तक ये पहुंचा दिया जाए कि आखिर वो अपने प्रधान के ऊपर, अपने मुखिया के ऊपर नियंत्रण कैसे रखेंगे, तो क्या क्या इसके फायदे होंगे। और दूसरी ओर अंत में ये देखेंगे कि नो कॉन्फिडेंस मोशन के डिमेरिट्स क्या हैं। इसके कुछ निश्चित है, कोई दवा भी जो कि बहुत अच्छा काम करती है कभी कभी जहर का भी रूप लेती है। तो आखिर नो कॉन्फिडेंस मोशन के डिमेरिट्स क्या है, शुरू करते हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन एंड राइट टू रिकॉल, ये लेक्चर आप तक ले आने में सबसे ज्यादा अगर किसी व्यक्ति ने मदद की है तो वो मेरी अपनी स्टूडेंट नम्रता रॉय गुड्डी ने की है। इस पूरे लेक्चर के लिए जगह जगह से चीजों को कलेक्ट करना, उसको एक असेंबल करके सामने लाने का पूरा श्रेय नवनीता को जाता है। थैंक यू नवनीता। अब अपनी बात शुरू कर रहा हूं नो कॉन्फिडेंस मोशन एंड राइट टू रिकॉल पे। क्या आखिर नो कॉन्फिडेंस मोशन या राइट टू रिकॉल कहते किसे हैं? लोकतंत्र, लोकतंत्र का मतलब है जनता की सरकार, जनता के लिए और जनता के द्वारा चुनी गई सरकार। इसका मतलब ये कि अगर हम वर्तमान प्रधानमंत्री की भाषा में कहें तो लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है, और वो मालिक भी कैसा मालिक, जिस मालिक के पास उन लोगों को जिसको उसने चुन के भेजा है, अगर वो उसके हिसाब पे काम नहीं कर रहे हैं, अगर वो जिस लिए चुने गए हैं, जो वादे करके चुने गए हैं, अगर उन वादों पे खरा नहीं उतर रहे हैं और वो मालिक उन जनप्रतिनिधियों को वापस नहीं बुला सकता, हटा नहीं सकता, तो ऐसे मालिक होने का क्या फायदा है। तो अगर लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती ये कहें तो यहां जनता ही सर्वशक्तिमान मानी जाती है। लेकिन सामान्यतः ऐसे लोकतंत्र में जहां संसदीय प्रणाली लागू की गई है, वहां पर संसद में और विधानसभाओं में सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत बनाया गया है। सामूहिक उत्तरदायित्व तो कहने का मतलब लोकसभा में जिस दल का बहुमत होगा, विधानसभा में जिसका बहुमत होगा, वो सरकार विधानसभा के लिए और लोकसभा के लिए उत्तरदायी होगी। उस सरकार को अगर आप हटाना चाहते हैं तो आपको नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना होगा। लेकिन यहां प्रश्न उठता है कि ये तो नो कॉन्फिडेंस मोशन तो सरकार के खिलाफ हो गया, अगर जनप्रतिनिधियों को हम हटाना चाहें तो उसके लिए क्या विधि व्यवस्था है, उसके लिए कैसे आगे काम करते हैं। तो यहां विश्व के जितने भी सुस्थापित लोकतंत्र हैं, चाहे वो स्विट्जरलैंड का लोकतंत्र हो, चाहे वो अमेरिकन की व्यवस्था हो, वहां पर सीधे सीधे अपने जनप्रतिनिधि को हटाने का अधिकार जनता को दिया गया है, जिसे हम राइट टू रिकॉल कहते हैं। लेकिन जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत में राइट टू रिकॉल नहीं हो करके ये राइट बनता है नो कॉन्फिडेंस मोशन का। अब बात उठती है
कि आखिर इसके इतिहास में क्या। तो अगर इतिहास को देखें तो सबसे पहले एंथेनियन लोकतंत्र में यह व्यवस्था दी गई। इसके बाद स्विट्जरलैंड वो पहला राष्ट्र बना जहां संविधान में इसे शामिल किया गया। राइट टू रिकॉल को स्विट्जरलैंड के संविधान में सबसे पहले शामिल किया गया। इसके बाद अमेरिका में इसे लागू किया गया 1903 में, 1903 में लॉस एंजल्स में म्युनिसिपैलिटी में, 1908 में मिशिगन और ओरेगन में राइट ऑफ रिकॉल को लागू किया गया। अब बात करते हैं भारत की। तो भारत में अगर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट के पहले की बात करें, संविधान सभा के पहले की बात करें, तो चर्चा आती है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की। और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ने दिसंबर 1924 में एक घोषणा पत्र जारी किया था जिसे 31 दिसंबर 1924 को प्रकाशित किया गया और 1 जनवरी 1925 को इसे प्रसारित किया गया, जनता के बीच में दिया गया। इसे लिखने वाले थे श्री सचिंद्रनाथ सान्याल। उनका यह कहना था, उन्होंने यह लिखा कि रिपब्लिक ऑफ इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में यह व्यवस्था की जाएगी कि जनता उन प्रतिनिधियों को जिनसे वह खुश नहीं है वापस बुलाने का अधिकार रखेगी। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के घोषणा पत्र में यह बात कही गई कि जनता जिन जनप्रतिनिधियों से खुश नहीं है उन्हें वापस बुलाने का अधिकार जनता के पास होगा, हिंदुस्तान का संविधान ऐसे बनाया जाएगा। इसके साथ ही इस घोषणा पत्र में और भी जो हाईलाइटेड पॉइंट है वो रहे कि लेजिस्लेचर के पास एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करने का पावर होगा और साथ ही साथ एग्जीक्यूटिव से वो लोग जो कि विधायिका के हिसाब पे काम नहीं कर रहे हैं, लेजिस्लेचर के तौर तरीकों के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं, उन्हें हटाने की भी शक्ति लेजिस्लेचर के पास होगी। परंतु जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में बात आती है, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में अयंगर जैसे विद्वानों ने यह बात रखी कि राइट टू रिकॉल जनता को दिया जाना चाहिए, तब वहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और इनके साथ साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी अपनी बात रखी और कहा कि अगर भेड़ों के समुदाय में से कुछ भेड़े काले रंग की हों, कुछ काली भेड़े भी चली आए, तो इसके लिए समस्त जनप्रतिनिधियों को सजा देना या उनके ऊपर एक तलवार लटकाना जरूरी नहीं है। और वहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सर ने और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में राइट टू रिकॉल गिर गया। बल्कि अंबेडकर साहब ने यह कहा कि हमने इसके लिए एक माकूल व्यवस्था दी है, वो व्यवस्था है नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन हम पार्लियामेंट के लेवल पर संघ की सरकार के लिए भी दे रहे हैं, राज्यों में राज्य की सरकारों के लिए भी कर रहे हैं और आने वाले समय में पंचायतों के जरिए, पंचायती राज अधिनियमों के जरिए यह बात थर्ड टीयर के जनतंत्र के लिए भी लागू होगी। तो अब बात करते हैं कि आखिर नो कॉन्फिडेंस मोशन पार्लियामेंट के स्तर पर क्या है। तो अगर देखें नो कॉन्फिडेंस मोशन पार्लियामेंट के स्टेज पर, तो पार्लियामेंट में एक आर्टिकल काम करती है, आर्टिकल 198। आर्टिकल 198 किस चीज की आर्टिकल है? कॉन्स्टिट्यूशन की? जी नहीं, आर्टिकल 198 ऑफ रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस, कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा, लोकसभा के रूल ऑफ प्रोसीजर कंडक्ट ऑफ बिजनेस के आर्टिकल 198 को जब आप देखेंगे तो वहां पर यह बात रखी गई, वहां पर यह बात लिखी हुई कि संसद के किसी सदस्य के द्वारा अगर सेक्रेटरी जनरल को मोशन की नोटिस दे दी जाती है, दिन में एक टाइम फिक्स किया गया है 12-1 बजे तक, अगर आप वहां तक वो नोटिस दे देते हैं तो उसी दिन वो सदन के पटल पे रखी जाएगी, और अगर उस तय समय सीमा के बाद आपने नोटिस दी है तो अगले दिन
जब भी संसद का वो सदन बैठेगा उस समय उस नोटिस को सदन के पटल पे रखा जाएगा। इसके साथ ही नोटिस पर कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन होना जरूरी है। अगर आप लोकसभा में सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना चाहते हैं तो संसद के सदस्य के द्वारा ये पहली बात तो नोटिस सर्व होगी और नोटिस सर्व होने के बाद उस पर 50 सदस्यों का समर्थन होना जरूरी है। अगर 50 सदस्यों का समर्थन हो जाता है तब उस नोटिस पर, तब उस नो कॉन्फिडेंस मोशन पर चर्चा करने के लिए और वोटिंग के लिए 10 दिन का समय मिलता है। 10 दिन के अंदर स्पीकर महोदय टाइम फिक्स करेंगे, डेट फिक्स करेंगे उस एनसीएम पर नो कॉन्फिडेंस मोशन पे चर्चा करने के लिए और वोटिंग कराने के लिए। शुरुआत में सबसे ज्यादा इस नो कॉन्फिडेंस मोशन का इस्तेमाल किया गया। नो कॉन्फिडेंस मोशन का पहला इस्तेमाल जो संसद के पटल पे किया गया वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ था और वो समय था अगस्त 1963 का। अगस्त 1963 में चाइना से युद्ध हार जाने के बाद पहली बार नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ। 1970 तक 10 बार नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया लेकिन दसों के दसों बार नो कॉन्फिडेंस मोशन फेल रहा, एक बार भी ये सफल ना हो सका। इन 10 बारों में से 6 बार थर्ड लोकसभा 1962 से 67 में जो लोकसभा बैठी थी वहां पे 6 बार लाया गया और चौथी लोकसभा 1967 से 70 3 साल के लिए ही थी वो, वहां पर 4 बार इसका इस्तेमाल किया गया। पीवी नरसिम्हा राव की बात करें तो उन्होंने 3 बार नो कॉन्फिडेंस मोशन को फेस किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करें तो उन्होंने 2 बार नो कॉन्फिडेंस मोशन सहा है, 2 बार उन्होंने सामना किया नो कॉन्फिडेंस मोशन का। एक बार उनकी सरकार गिर गई 1999 में लेकिन 2003 में वो सफलतापूर्वक निकलकर बाहर आए नो कॉन्फिडेंस मोशन से। मनमोहन सिंह जी की बात करें तो 2008 में न्यूक्लियर डील पर सिग्नेचर करने के बाद नो कॉन्फिडेंस मोशन का सामना सफलतापूर्वक मनमोहन सिंह जी ने भी किया। अगर यहां पर ये देखें कि नो कॉन्फिडेंस मोशन ने 1979 में चरण सिंह जी को, 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को और 1997 में एचडी देवगौड़ा को बाहर का रास्ता दिखाया, तो पार्लियामेंट के स्तर पर इतनी बार नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया तो पार्लियामेंट के स्तर पर अगर आप सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना चाहते हैं तो कम से कम जो नोटिस आएगी उस पर 50 संसद के सदस्यों का समर्थन होना चाहिए, तभी उसे लोकसभा के पटल पर, लोकसभा पर ही क्यों, क्योंकि सरकार लोकसभा के लिए ही उत्तरदायी होती है आर्टिकल 75 क्लॉज 3 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब बात करते हैं कि आखिर नो कॉन्फिडेंस मोशन स्टेट्स में कैसे है, स्टेट्स में इसकी क्या व्यवस्था है। अब एक एक स्टेट को देखते चले जाते हैं और एक एक स्टेट के हिसाब पर एग्जांपल के जरिए आपको क्लियर कर देता हूं कि आखिर नो कॉन्फिडेंस मोशन कैसे लाया जाता है, कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए और स्पीकर के पास, विधानसभा अध्यक्ष के पास कितने दिनों का समय होगा नो कॉन्फिडेंस मोशन पर सब कुछ फाइनल करने के लिए, मीटिंग बुलाने के लिए, वोटिंग कराने के लिए, चर्चा कराने के लिए। स्टेट्स में नो कॉन्फिडेंस मोशन, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 208 क्लॉज 1 को देखिए, जब आप आर्टिकल 208 क्लॉज 1 को देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, तो वो ये कहता है कि स्टेट लेजिस्लेचर हैव मेड देयर ओन रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इंक्लूडिंग एनसीएम नो कॉन्फिडेंस मोशन। आर्टिकल 208 क्लॉज 1 का कहना है कि राज्य सरकारें, राज्य विधायिका प्रोसीजर के नियम फिक्स करेंगी कि आखिर उनके यहां कार्यवाही कैसे चलेगी, सदन की कार्यवाही कैसे चलेगी और इन कार्यवाहियों को फिक्स करने में नो कॉन्फिडेंस मोशन पर भी वो अपना प्रोसीजर फिक्स करने का अधिकार राज्य की विधायिका को है। एक एक करके देखते हैं कि आखिर किस राज्य ने क्या क्या फिक्स किया है। सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में टोटल चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या है 288। अब यहां पर लिखा हुआ है
कि यहां पर जो मोशन पेश किया जाएगा वो मोशन कितने लोगों का होगा, तो महाराष्ट्र में जो मोशन पेश किया जाएगा वो 1/10 का होगा, 1/10 लोग अगर नोटिस को बढ़ाते हैं, अगर मोशन को क्रिएट करते हैं, तो वहां पर अगर आप यहां 1/10 करेंगे तो कितना आएगा, 28.8 आएगा। इसका मतलब यहां पर 29 लोगों की ओर से मोशन पे सपोर्ट होना चाहिए। अगर मोशन पे 29 लोगों का सपोर्ट मिल जाता है तब इसके बाद 3 से 7 दिन का समय मिलेगा स्पीकर को, 3 से 7 डेज का समय मिलेगा स्पीकर को, किस बात के लिए, कि वो डिस्कशन कराएंगे और डिस्कशन कराने के बाद यहां पर वोटिंग कराई जाएगी। ये 3 से 7 दिन किस दिन से चुनेंगे, 3 से 7 दिन मोशन के मूव करने के दिन से चुना जाएगा, गिना जाएगा। तो महाराष्ट्र में 288 टोटल संख्या है, 29 लोगों के मतलब 1/10 का सपोर्ट होना चाहिए। इसके बाद स्पीकर को 3 से 7 दिन मिलेंगे, इसका मतलब सरकार के पास 3 से 7 दिन का समय होगा फ्लोर मैनेजमेंट करने का, और उसके बाद नो पॉसी 3 से 7 दिनों के भीतर नो कॉन्फिडेंस मोशन पर डिस्कशन और वोटिंग कराई जाएगी। अब बात करते हैं केरला की। अगर केरला को देखें तो केरला में अगर देखें तो यहां पर कहते हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन हैज टू बी कंसीडर्ड इन 3 डेज व्हाइल स्पीकर कुड नॉट टेक मोर देन 10 डेज, मिनिमम सपोर्ट एटलीस्ट 20% जो है वो एमएलए का सपोर्ट होना चाहिए। यहां पर टोटल मेंबर्स जो है वो 140 हैं। सपोर्ट कितने का चाहिए, सपोर्ट की डिमांड है यहां पर एटलीस्ट 20। अगर 20 की बात करें तो इसका मतलब कम से कम 1/7 का सपोर्ट होना चाहिए। और चर्चा और वोटिंग कराने के लिए कितने दिन का समय दिया गया है, 3 से लेकर 10 दिन का समय स्पीकर के पास अवेलेबल है। 3 से 10 दिन में वो चर्चा कराएंगे और उस नो कॉन्फिडेंस मोशन पर वोटिंग कराएंगे। इसके बाद आते हैं छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में अगर देखें नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए तो वहां पर छत्तीसगढ़ में जो व्यवस्था है वो 1/10 ऑफ टोटल मेंबर्स हैं। टोटल मेंबर्स के 1/10 से यहां पर समर्थन होना चाहिए और यहां पर 10 दिन का समय दिया जाएगा। 10 दिन का समय मिलेगा स्पीकर को चर्चा और उस पर वोटिंग कराने के लिए। अब आ जाते हैं राजस्थान में। राजस्थान में नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए राजस्थान में टोटल 200 एमएलए हैं, 200 की वहां गिनती है विधानसभा सदस्यों की। वहां पर जो सपोर्ट चाहिए मोशन को नो कॉन्फिडेंस के वो 1/5 होना चाहिए। 1/5 का मतलब कम से कम 40 लोगों का, 40 विधायकों का समर्थन होना चाहिए। और यहां पर भी 10 दिन का समय मिलता है स्पीकर को कि 10 दिन के भीतर वो चर्चा और वोटिंग कराएंगे। इसके बाद बात करते हैं उड़ीसा की। तो अगर उड़ीसा को देखें तो उड़ीसा की व्यवस्था है, टोटल यहां पर सदस्य हैं 147 और यहां पर चाहिए 14 लोग, नियर बाई 1/10, और यहां पर इसके साथ में 10 दिनों का इनको भी, यहां भी स्पीकर को समय मिलता है। बात करते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना में टोटल जो संख्या है वो 119 है, टोटल संख्या 119 है। यहां पर जो वोटिंग चाहिए, जो समर्थन चाहिए मोशन को वो 1/10 का है और यहां भी 10 दिन का मौका मिलता है। तो छत्तीसगढ़ में 1/10 चाहिए 10 दिन के साथ, राजस्थान में 1/5 टोटल मेंबर्स के 1/5 मतलब 20% होने चाहिए मोशन के साथ और 10 दिन का समय मिलेगा। उड़ीसा में 10% का ही रूल है, 147 का 10% 14.7 होना चाहिए, वहां 14 है, 10 दिन का समय वहां भी मिलेगा। तेलंगाना में 119 है टोटल मेंबर, 1/10 और 10 डेज का रूल यहां भी लागू है। तेलंगाना के बाद देखते हैं पंजाब को, क्या फिर पंजाब में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, इन स्टेट्स में क्या व्यवस्था है। पंजाब को जब देखते हैं तो पंजाब की व्यवस्था है कि 1/5 टोटल मेंबर है 117, यहां का रूल है 1/5 और 1/5 के साथ रूल है 10 डेज का।
117 टोटल विधानसभा के सदस्य हैं, उनके 1/5 मतलब 20% लोगों का पॉजिटिव समर्थन चाहिए उस मोशन को नो कॉन्फिडेंस के, और उसके साथ 10 दिन का समय मिलेगा स्पीकर के पास कि वो 10 दिन के भीतर उस पर चर्चा कराएं और वोटिंग कराएं। इसके बाद बात करते हैं बिहार की। अगर बिहार को देखें तो बिहार में टोटल सदस्य हैं 243 और यहां पर जो समर्थन चाहिए वो 23 का चाहिए, इस पर 1/10 आ जाएगा, और यहां पर जो समय मिलेगा वो समय मिलेगा 10 डेज का, यहां भी जो समय मिलेगा वो 10 डेज का मिलेगा। इसके बाद हिमाचल की बात करें, हिमाचल में इसे थोड़ा टफ बनाया गया है, या कह सकते हैं टफ ना कहिए बल्कि कहिए कि थोड़ा ज्यादा ही इजी कर दिया गया है इसे। इसे कहा गया है, आप कह सकते हैं कि हिमाचल में टोटल सदस्यों की संख्या है 68, और यहां पर अगर आप नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना चाहते हैं तो आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहां जो सपोर्ट चाहिए मोशन को वो 1/3 का है, 1/3 लोग चाहिए आपको मोशन पे सपोर्ट करने के लिए। और यहां भी जो समय दिया गया है वो समय जनरली एक जैसा ही चल रहा है, 10 दिन का समय मिलेगा। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी थोड़ा टफ बनाया गया है, उत्तर प्रदेश में व्यवस्था की गई है 1/5 की, और यहां भी 10 दिन का समय लिया गया है। तो हिमाचल में व्यवस्था थोड़ी ज्यादा टाइट है, उत्तर प्रदेश में उससे थोड़ा रिलीज किया, 1/5 टोटल चाहिए, और बाकी जगह पे जनरली 1/10 का नियम चल रहा है। कर्नाटका की अगर बात करें तो कर्नाटका में जब आप देखते हैं तो टोटल संख्या है 224 की, और यहां पे चाहिए 23 लोगों का समर्थन उस मोशन के ऊपर, और यहां भी यहां पर जो मैक्सिमम टाइम दिया है वो केवल 3 डेज का है। तो कर्नाटका में समय कम दिया गया है स्पीकर को कि 3 दिन के भीतर ही, या कह लीजिए सरकार को फ्लोर मैनेजमेंट करने के लिए कम समय मिलेगा। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। अगर आंध्रा की बात करें तो यहां 170 लोग हैं टोटल, और यहां पर भी रूल है कि 1/10 होना चाहिए, और प्लस यहां भी 10 दिन का नियम लागू चलेगा। इसी के साथ बात कर लें अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश में टोटल सदस्यों की संख्या होगी 60, और यहां भी 1/10 चाहिए सपोर्ट, और इसके साथ ही 10 दिन का समय यहां भी मिलेगा स्पीकर के पास। अब बात करते हैं गुजरात की। गुजरात की जो व्यवस्था है, गुजरात में टोटल है 182 सदस्य संख्या, यहां पर चाहिए 17 लोग, नियर बाई यहां भी 1/10 का नियम है, और यहां पर जो समय मिलेगा वो 7 दिन का मिलेगा। तो गुजरात में 7 दिन मिलेगा, कर्नाटका में 3 दिन मिलेगा, बाकी अगर आप देखते जाएं तो बाकी ज्यादातर राज्यों में 10 दिन का समय दिया गया है। गुजरात के बाद बात करते हैं वेस्ट बंगाल की। अगर वेस्ट बंगाल को देखें तो वेस्ट बंगाल में टोटल सदस्य संख्या है 294। अगर 10% का नियम लगाएं तो यहां पर चाहिए 29.4, तो यहां कम से कम 30 लोगों का समर्थन होना चाहिए, और 10 दिन का समय यहां भी मिलेगा, 30 मेंबर्स प्लस 10 डेज का समय मिलेगा स्पीकर के पास। अब आसाम की बात करते हैं तो आसाम में टोटल जो आपकी सदस्य संख्या है वो 126 है, और यहां पर 1/10 का नियम लगेगा, मतलब 12-13 लोगों की जरूरत पड़ेगी, और यहां पर 10 दिनों का समय मिलेगा विधानसभा के स्पीकर को। मणिपुर की बात करें तो एक ही साथ देख लेते हैं मणिपुर को, मणिपुर के साथ ही मेघालय को। मणिपुर, मेघालय, मणिपुर, मेघालय और नागालैंड तीनों में जो सदस्य संख्या है वो 60 की है, यहां पर 10 मेंबर्स चाहिए, यहां 1/10 का नियम नहीं है, 10 मेंबर्स का समर्थन चाहिए, 10 दिन का नियम यहां भी लागू है। अब अगर मिजोरम को देखिए तो मिजोरम में टोटल 40 मेंबर्स हैं, यहां पर 10 मेंबर्स चाहिए,
नो कॉन्फिडेंस मोशन के सपोर्ट में, और यहां भी 10 दिन का नियम लागू होगा। 10 दिन मिलेगा स्पीकर के पास उस पर चर्चा कराने के लिए, उस पर वोटिंग कराने के लिए। अब बात बचती है त्रिपुरा की, तो अगर त्रिपुरा को देखिए तो त्रिपुरा में टोटल नंबर्स मिलेंगे 60। यहां जो नियम चलेगा वो 1/5 का चलेगा। 1/5 कहने का मतलब कितने हो गए, 12×5=60, 12 लोगों का समर्थन चाहिए। और इसके साथ यहां भी 10 डेज का नियम लागू है, 10 दिन मिलेगा इस विधानसभा स्पीकर के पास कि वो चर्चा कराएं और वोटिंग कराएं। अब बात उठती है सिक्किम की, सिक्किम में टोटल सदस्य संख्या 32, यहां पर जो समर्थन चाहिए वो 6 मेंबर्स का चाहिए, 6 मेंबर्स का। और यहां जो टाइम मिलेगा वो 5 दिन का ही मिलेगा। तो अगर देखें तो सामान्यतः 1/10 टोटल जो सदस्य संख्या होगी उसके 1/10 लोगों का समर्थन चाहिए। अगर आप नो कॉन्फिडेंस मोशन स्टेट में मूव कर रहे हैं, स्टेट लेजिस्लेचर के खिलाफ मूव कर रहे हैं, और वहां जनरली 10 दिन का समय मिलता हुआ दिखाई देता है। अपवाद स्वरूप कर्नाटका है जहां 3 दिन का समय मिलेगा, और सिक्किम है और एक और राज्य जहां 5 दिन, और उत्तर प्रदेश में जहां 7 दिन का समय मिलेगा। अदरवाइज पूरी जगहों पर ज्यादातर राज्यों में 10 दिन का समय विधानसभा अध्यक्ष के पास होगा कि वो चर्चा कराएं और वोटिंग कराएं। इतनी बातें रही स्टेट लेवल तक नो कॉन्फिडेंस मोशन को कैसे लाया जाएगा। अब बात करते हैं इस लेक्चर के सबसे इंपॉर्टेंट पहलू की, कि जो थर्ड टीयर का लोकतंत्र है, जो पंचायती राज की व्यवस्था लागू की गई और उस व्यवस्था को लागू करने के पीछे का उद्देश्य यह था कि दिल्ली में बैठ करके किसी गांव देहात में आखिर क्या जरूरतें हैं इसको समझ पाना मुश्किल है, इसलिए 73rd और 74th अमेंडमेंट लागू किया गया और पंचायतों को सशक्त किया गया। और होते होते पंचायतों को आज के दिन डायरेक्ट ट्रांसफर स्कीम के जरिए सीधा सीधा पैसा सरपंचों के और मुखिया ग्राम प्रधानों के अकाउंट्स में दिया जा रहा है ताकि वो अपने एरिया की जरूरतों को पूरा कर सके। तो ऐसा नहीं कि ये अनकंट्रोल मैकेनिज्म है। तो थर्ड टीयर लोकतंत्र पे भी, थर्ड टीयर की इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा सकता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकते हैं अपने मुखिया के खिलाफ, उप प्रधान के खिलाफ, प्रधान के खिलाफ। कैसे, एक एक स्टेट को उठा रहा हूं और एक एक स्टेट को डिस्कस करते एग्जाम्पल के साथ आपको समझाते चला जाऊंगा कि अगर आपके राज्य में आप अपने मुखिया के खिलाफ, अपने प्रधान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना चाहते हैं, समय से पहले उसे पद से हटाना चाहते हैं, तो आप किस प्रक्रिया का पालन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, एक एक स्टेट करके उठा ले रहा हूं। छत्तीसगढ़ में अगर आप हटाना चाहें तो कैसे है, यहां पर धारा नंबर है सेक्शन नंबर 21, पंचायती राज अधिनियम जो यहां का है उसके सेक्शन नंबर 21 में किया गया है। यहां व्यवस्था यह है कि सबसे पहले नो कॉन्फिडेंस मोशन उस प्रधान के चुने जाने, जिस दिन, जिस साल, जिस दिन वो चुना गया है, वहां से एक साल के भीतर आप नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं ला सकेंगे। इसके साथ ही लास्ट के 6 महीने में, 5 साल का टेन्योर है, 4.5 साल बीत चुका है, अब लास्ट के 6 महीने में आप नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं ला सकेंगे। लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन आप कैसे लाएंगे, तो कहता है बहुमत जो सदस्य होंगे वो क्या करेंगे, सिग्नेचर लिख करके पंचायती राज अधिकारी को देंगे। पंचायती राज अधिकारी क्या करेंगे, पंचायत राज अधिकारी जो है स्पेशल मीटिंग बुलाएंगे। उस मीटिंग में, वहां पर ध्यान दीजिएगा, उस मीटिंग में जो नियम है, जो रूल है कि आखिर इनके खिलाफ कैसे पास होगा वो प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन कैसे पास होगा, तो यहां पर है 3/4 ऑफ वोटिंग प्लस 2/3 ऑफ ऑल। इसका क्या मतलब, समझिए, एक एग्जांपल के जरिए आपको ये समझा देता हूं। मान लेते हैं कि किसी गांव सभा में जहां पर कि मुखिया को हटाया जाना है, वहां पर, या प्रधान को हटाया जाना, वहां पर टोटल सदस्यों की जो संख्या है वो 120 है। अब कैसे इसको मूव करेंगे, तो यहां देखिए, जब आप मीटिंग बुलाएंगे तो पहले यह शर्त पूरी करनी होगी कि कम से कम कितने लोग मीटिंग में आए। तो कहता है कि 3 से अगर यहां भाग दे दीजिए, 120 2/3, तो ये आपके हो गए, कम से कम यहां पर आपको 80 लोग चाहिए होंगे।
80 लोगों का कोरम, 80 लोगों को आपको उपस्थित कराना होगा। अब ये 80 लोगों से 3/4 का समर्थन होना चाहिए, 3/4 मतलब कम से कम जो 60 लोग हैं वो नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए, जो चर्चा के लिए मीटिंग बुलाई जाएगी वहां पे पॉजिटिव वोट कास्ट करेंगे मोशन के फेवर में, तो वो प्रधान हटा दिए जाएंगे। लेकिन यहां प्रधान जी को 7 दिन का मौका मिलेगा कि वो स्टेट इलेक्शन कमीशन के यहां चैलेंज कर सकते हैं इस मीटिंग की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को, इसके ऑर्डर की वैलिडिटी को, और स्टेट इलेक्शन कमीशन का जो फाइनल ऑर्डर होगा वो यहां पर फाइनल माना जाएगा। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की क्या व्यवस्था है? महाराष्ट्र में विलेज पंचायत अधिनियम, यहां भी वही पंचायती राज अधिनियम की यहां जो धारा आएगी, यहां इनकी धारा है धारा नंबर 35। ये क्या कहते हैं? कहते हैं ये कि टोटल जो मेंबर होंगे उसके 1/3 लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशन देंगे कि ये प्रधान को हटाना चाहते हैं। एप्लीकेशन किसको देंगे? तो यहां साफ साफ लिखा है कि ये एप्लीकेशन ये तहसीलदार को देंगे, तहसीलदार को देंगे, और तहसीलदार क्या करेंगे, तहसीलदार जो है 7 दिन के अंदर मीटिंग को बुलाएंगे। और मीटिंग में वो कैसे पास किया जाएगा? तो यहां भी रूल वही है, 2/3 जो वोट देने वाले और टोटल उपस्थित जो होंगे वो 2/3 अगर होंगे, 2/3 की अगर वोटिंग हो गई, मान लीजिए 90 लोग हैं तो 60 लोगों ने अगर पॉजिटिव वोट दिया है तो प्रधान हटाए जाएंगे। और अगर प्रधान महिला है, ध्यान दीजिएगा, महाराष्ट्र में अगर प्रधान महिला है तब वहां पर जो वोटिंग चाहिए वो 3/4 की चाहिए। अगर 90 पर ही करके देखें तो 3/4 अगर किसी महिला को हटाना है, महिला प्रधान है, तो वहां पर जब आप करते हैं 4 × 8 = 22.5 नियर बाई आगे आपका 66 67 68 यहां पर चाहिए, 68 लोगों का सपोर्ट चाहिए, 68 मत चाहिए आपको नो कॉन्फिडेंस मोशन में किसी महिला प्रधान को महाराष्ट्र में अपने तय समय से पहले हटाने के लिए। लेकिन यहां पर भी चाहे वो पुरुष प्रधान हो या महिला, इनको 7 दिन का मौका मिलेगा कि वो इस मीटिंग की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को और इसकी वैलिडिटी को नो कॉन्फिडेंस मोशन के चैलेंज कर सकते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन में। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। 1994 का अधिनियम है और धारा है 129। हिमाचल प्रदेश सेक्शन 129 है, कहता क्या है सेक्शन 129? ये कहता है कि बहुमत से एप्लीकेशन दी जाएगी, मीटिंग का कोरम 50% होगा। हर स्टेट में अलग अलग है, अपने स्टेट के हिसाब से ध्यान दीजिएगा कि हिमाचल प्रदेश में मीटिंग का कोरम कितना है, 50% है। ये मीटिंग का कोरम है, मतलब मीटिंग का कोरम कहने का मतलब अगर 100 लोग हैं वहां पर और आपकी आपने जब मीटिंग बुलाई नो कॉन्फिडेंस मोशन पे चर्चा करने के लिए, वहां पर केवल 45 लोग आए, तो इसका मतलब ये मान लिया जाएगा कि नो कॉन्फिडेंस मोशन रिजेक्ट कर दिया गया है। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन पे चर्चा करने के लिए जो मीटिंग बुलाई जाएगी उसका कोरम 50% रखा गया है हिमाचल प्रदेश में। हटाने वाला जो प्रस्ताव है वो कितने से पास माना जाएगा? कहता है 2/3 से, 2/3 ऑफ टोटल मेंबर, 2/3 सदस्यों से। मतलब अगर 90 लोग हैं तो 60 लोग जो है वो पॉजिटिवली वोट किए हो नो कॉन्फिडेंस मोशन के फेवर में। लेकिन यहां भी शर्तें लगी हुई हैं कि शुरुआत की दो साल अगर 2020 में चुने गए हैं प्रधान तो 2022 तक आप नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं ला सकेंगे। उसका कारण, दो साल का एक समय दे दिया जाता है जिसमें जनता भी उनके काम को देख सके। ऐसा नहीं कि जो हार गए हैं वो पहले ही दिन से षड्यंत्र बुनने लगे, जो एक जीते हुए आदमी को नो कॉन्फिडेंस मोशन का सहारा लेकर के उसका पैर खींचने के लिए। तो 2 साल के भीतर नहीं लाया जा सकेगा। और अगर आपका मोशन रिजेक्ट हो गया है तो रिजेक्ट होने से 2 साल तक
अब आप फिर से दोबारा नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं ला सकेंगे। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में सेक्शन नंबर है 21, पंचायती राज अधिनियम की ही धारा 21 में यह प्रावधान दिया गया है। यहां पर नियम लगभग एक जैसे हैं कि शुरुआत के 2 साल में नहीं लाए जा सकेंगे नो कॉन्फिडेंस मोशन प्रधान और प्रमुख के खिलाफ, और अंतिम के 6 महीने में नहीं लाए जा सकेंगे। रिजेक्ट अगर हो जाता है तो वहां से 6 महीने के अंदर दोबारा नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं लाया जाएगा। लेकिन वोटिंग कितने पर होगी, कितने से पास होंगे, तो एमपी का रूल है 3/4 ऑफ प्रेजेंट प्लस वोटिंग, प्रेजेंट प्लस वोट्स कास्टेड, और इसके साथ एक और नियम है 2/3 ऑफ ऑल। मतलब क्या है, मतलब अगर हम मान लें कि 120 लोग हैं तो कम से कम कितने लोग आने चाहिए, आपकी मीटिंग में 80 लोग होने चाहिए, और उस 80 लोगों में से 60 लोगों ने पॉजिटिवली नो कॉन्फिडेंस मोशन के फेवर में वोट किया है, तभी वो प्रधान हटाए जाएंगे। और यहां पर भी प्रधान जी को 7 दिन का मौका मिलेगा, 7 दिन का मौका मिलेगा कि वो स्टेट इलेक्शन कमीशन में इस ऑर्डर को, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को, इसकी वैलिडिटी को चैलेंज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की कि आखिर उत्तर प्रदेश में आप प्रधान को किस तरह से हटा सकते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन के जरिए आप उत्तर प्रदेश में किस तरह प्रधान को रिमूव कर सकते हैं उनके समय से पहले। तो उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम या संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम कहा जाता है इसे, क्योंकि यूपी का मतलब उत्तर प्रदेश हम अभी पढ़ते हैं, लेकिन इसे शुरुआत में यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता रहा। तो यूनाइटेड प्रोविंस पंचायती राज एक्ट के धारा नंबर 14, यहां पर जो सेक्शन लागू है वो सेक्शन है धारा 14, प्रधानों को हटाया जाना। अब यहां पर कहते हैं कि गांव सभा की विशेष बैठक बुलाई जाएगी। अगर बहुमत से लोगों ने, जो गांव सभा के चुने हुए बहुमत के लोग हैं, ये क्या करेंगे, ये अगर एक प्रस्ताव पेश कर देते हैं, जनरली ये प्रस्ताव पंचायती राज अधिकारी के यहाँ किया जाता है, कभी कभी ये प्रस्ताव जिलाधिकारी के यहाँ भी किया जाता है, क्योंकि जिलाधिकारी ही सर्वे सर्वा माने जाते हैं। तो वो क्या करेंगे, वो 15 दिन की नोटिस दे करके एक विशेष बैठक गांव सभा की बुलाएंगे, ये जिम्मेवारी दी गई। 15 दिन की विशेष नोटिस दी जाएगी और गांव सभा की स्पेशल मीटिंग कॉल की जाएगी। इस मीटिंग का कोरम कितना होगा, इस मीटिंग का कोरम उत्तर प्रदेश में 1/3 रखा गया है। मतलब अगर टोटल मान लीजिए गांव सभा में 90 लोग आते हैं तो 30 लोगों का आना जरूरी है, उस मीटिंग में कम से कम 30 लोग जरूर आए। इसके बाद कितने से हटाया जा सकेगा, तो कहता है कि जो लोग आए हैं और वोट दिए हैं उसके 2/3 से हटाया जाएगा। कम से कम तो 30 लोग चाहिए। अब मान लीजिए कि 30 लोग, 90 लोगों के टोटल सभा है, वहां पर 60 लोग आ जाते हैं, तो 60 लोग आ जाते हैं तो 60 के 2/3 से, मतलब कम से कम यहां पर जो 40 लोगों ने नो कॉन्फिडेंस मोशन के सपोर्ट में अगर वोट किया है तो वो प्रधान साहब हटा दिए जाएंगे। लेकिन शर्त यह है कि जिस दिन वो प्रधान चुने गए हैं वहां से 2 साल के अंदर आप नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं ला सकेंगे। और अगर आपका ये नो कॉन्फिडेंस मोशन रिजेक्ट हो गया, रिजेक्ट कैसे होगा, अगर 1/3 लोग आए ही नहीं मीटिंग में तो रिजेक्ट मान लिया जाएगा। और अगर वोट जो आए और जिन्होंने वोट कास्ट किया वो 2/3 से कम है, उनकी संख्या 2/3 से कम है, तो वहां भी मान लिया जाएगा कि नो कॉन्फिडेंस मोशन रिजेक्ट कर दिया गया। तो अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन रिजेक्ट कर दिया गया तो रिजेक्शन के दिन से 1 साल तक दोबारा नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं लाया जा सकेगा। यहां एक बात और क्लियर कर दें कि ये जो स्पेशल मीटिंग बुलाई जाएगी, इस स्पेशल मीटिंग को वो प्रधान जिसको हटाए जाने के लिए मोशन चलाया गया है वो उसे हेड नहीं करेंगे। इसे हेड फिर कौन करेगा, जनरली इसे हेड पंचायती राज अधिकारी करते हैं, या उनकी या सरकार की ओर से अपॉइंट किया हुआ व्यक्ति अधिकारी जो है वो इसे, इस मीटिंग को हेड करेगा, वो इसे चेयर करेगा। अब बात कर लेते हैं
उत्तराखंड पंचायती राज की आखिर उत्तराखंड में किसी प्रधान को कैसे हटाया जाएगा। उत्तर प्रदेश की बात हो गई, अब उत्तर प्रदेश के बाद जहां ये एक्ट लागू है वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड का ये एक्ट 2016 का है, धारा नंबर 18 है। अगर उत्तराखंड में देखें तो उत्तराखंड में सेक्शन आएगा सेक्शन 18, उत्तर प्रदेश में 14 था। यहां पर है कि गांव सभा के एक चौथाई सदस्यों से साइंड नोटिस दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में बहुमत के द्वारा, यहां पर 1/4 के द्वारा साइंड नोटिस दी जाएगी। साइंड नोटिस में से 5 लोग पर्सनली जाएंगे और पर्सनली जाकर पंचायती राज अधिकारी को एप्लीकेशन देंगे। और अगर उप प्रधान को हटाना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में उप प्रधान को हटाने की व्यवस्था नहीं है, प्रधान को हटाने की व्यवस्था धारा 14 में की गई है। उत्तराखंड में उप प्रधान को भी हटाया जा सकता है। उप प्रधान को हटाना है तो 1/2 आधे लोग जो गांव सभा के इलेक्टेड होंगे वो उसमें अपना उस एप्लीकेशन पर, उस मोशन पर सिग्नेचर करेंगे और एटलीस्ट तीन लोग जो है वो पंचायती राज अधिकारी को अपना ये पत्र देंगे। पंचायती राज अधिकारी विशेष बैठक बुलाएंगे और विशेष बैठक जो होगी यहां पर 15 दिन की नोटिस यहां पर भी दी जाएगी। अब कोरम कितना होगा, कोरम यहां पे 50% है। आधे लोग अगर आ जाते हैं तो मान लेते हैं कि मीटिंग का कोरम पूरा हो गया। प्रधान कितने से हटा दिए जाएंगे, प्रधान हटा दिए जाएंगे 50% से। यहां प्रधान का हटाया जाना उत्तराखंड में आसान है। अगर 100 लोग हैं तो 100 लोगों का पहला आधा कर लीजिए कि 50 लोग कम से कम मीटिंग में आने चाहिए। 50 लोग अगर मीटिंग में आ गए हैं और 50 में से 26 लोगों ने सपोर्ट कर दिया उस मोशन के फेवर में, तो प्रधान हटा दिए जाएंगे। और उप प्रधान को हटाना थोड़ा टफ है, इन्हें 2/3 सदस्यों की जरूरत होगी उप प्रधान को अगर उत्तराखंड में हटाना चाहते हैं। यहां भी शर्तें वही हैं कि चुने जाने के दिन से 1 साल के भीतर प्रधान के खिलाफ, उप प्रधान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं लाया जाएगा, अंतिम के 6 महीने में नहीं लाया जाएगा। और अगर आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन गिर जाता है तो फिर अगले 1 साल तक वो फिर से नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं लाया जा सकेगा। तो चाहे हम पार्लियामेंट के स्तर पर देखें, चाहे स्टेट के लेवल पर देखें या पंचायतों के लेवल पर देखें, सीधे सीधे भारत में जनप्रतिनिधियों को वापस बुलाने का जो पावर राइट टू रिकॉल अमेरिका में जनता को दे देता है, वहां पर यह व्यवस्था है कि जनता एक कैंपेन, सिग्नेचर कैंपेन चलाती है और सिग्नेचर कैंपेन चलाने के बाद वहां पर डी इलेक्ट वोटिंग की जाती है। डी इलेक्ट करने के लिए वोटिंग होती है और अगर वहां पर वोटिंग उस कैंपेन के फेवर में निकल जाती है तो वो कैंडिडेट की सीट वैकेंट मान ली जाती है, फिर वहां पर नया इलेक्शन होता है। लेकिन यहां अगर हम देखें तो डायरेक्टली ये पावर जनता के हाथ में नहीं दी गई है। अगर पंचायतों के लेवल पे देखें तो चुने हुए प्रतिनिधियों में जितने लोगों की संख्या बताई गई है उतने लोगों के द्वारा ये पत्र मूव होगा, मीटिंग बुलाई जाएगी और वो लोगों की मेजॉरिटी से ही, उन लोगों की मेजॉरिटी से कहीं 2/3, कहीं 3/4, कहीं 50%, अलग अलग स्टेट के हिसाब से उतनी संख्या मिलने पर ही प्रधान उप प्रधान को हटाया जा सकेगा। अब आते हैं कि आखिर इस नो कॉन्फिडेंस मोशन की मेरिट्स क्या है, इसके फायदे क्या है। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन के जो समर्थन की बात करते हैं, वैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए अगर कहें तो हमारे पार्लियामेंट में भी कई बार यह प्रस्ताव रखे जरूर गए हैं। वरुण गांधी जी ने प्रस्ताव रखा 2016 में, एक संशोधन प्रस्ताव रखा कि ऐसे जनप्रतिनिधि जो काम नहीं कर रहे हैं, जनता के हिसाब से काम नहीं कर पा रहे हैं, जनता के पास उन्हें वापस बुलाने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन इस प्रस्ताव पे आगे कुछ भी नहीं हुआ। 1944 में यह प्रस्ताव एमएन राव जी ने रखा, सोमनाथ चटर्जी जी ने जो लोकसभा के स्पीकर थे उन्होंने भी इस बात को बड़े जोर शोर से उठाया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए जनप्रतिनिधियों की भी और डायरेक्टली जनता को यह अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन ये बातें सिर्फ बातें ही रह गई। तो जो लोग इसके समर्थन की बात करते हैं, इसके समर्थन में अपने अपने मत को रखते हैं, वो ये कहते हैं कि इससे राजनीति में अपराधीकरण रुक जाएगा और इससे दूसरा जो फायदा होगा वो ये कि वादे करने वाले वादे करने से पहले 100 बार सोचेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ इसके फायदे ही फायदे हैं, इसके कुछ नुकसान भी हैं। नुकसान क्या है? नुकसान ये होगा कि जो भी कैंडिडेट चुनाव मैदान में आएंगे उनके ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन होगा
अब बर्डन किस बात का होगा, बर्डन होगा कि वो सिर्फ विकास के कामों को थोड़ा बाद में देखें, पहले अपने जमीनी समर्थन को देखते रहें। हर समय अपने जमीनी समर्थन को उन्हें देखना पड़ेगा। अगर आप सीधे सीधे राइट टू रिकॉल देते हैं तो क्या उसके नुकसान हो रहे हैं? नुकसान होंगे कि वहां सीधे सीधे जनता के समर्थन पर नजर रखनी पड़ेगी। और ये क्या करेगा, ये करेगा कि उन प्रतिनिधियों को लोगों की इच्छा पूरी करने के लिए ज्यादा प्रेरित करेगा, और लोगों की इच्छा का कोई ठौर ठिकाना नहीं होता जनरली, कि लोग कभी किसी एक खास कम्युनिटी के लोग कुछ दूसरी इच्छा रखेंगे, दूसरी कम्युनिटी के लोग हो सकता है कि दूसरी इच्छा व्यक्त करें। तो ऐसी इच्छाओं की पूर्ति करते रहने में अगर भारतीय लोकतंत्र की बात करें तो यहां राइट टू रिकॉल कुछ ज्यादा ही खतरे का सौदा दिखाई देता है। तो इतनी बातें राइट टू रिकॉल और नो कॉन्फिडेंस मोशन में मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद करता हूं कि पंकज कुमार सिंह जी आपके ही निवेदन पे ये वीडियो मैंने अपलोड किया। तो आपका जो प्रश्न रहा राइट टू रिकॉल का कि प्रधान को या लोगों को, जनप्रतिनिधियों को कैसे हटाया जा सकता है, उसका उत्तर देने में ये वीडियो मेरे हिसाब से सक्षम है। फिर भी अगर आपकी कोई समस्या है, कोई आपका प्रश्न है, तो कमेंट बॉक्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आपके प्रश्न को जितना जल्दी यथा शीघ्र हो सकेगा उसे अपने ओर से अपने स्तर पर निपटाने की पूरी कोशिश करूंगा। वीकेंड लेक्चर सीरीज में अगला लेक्चर लेकर अगले शनिवार रविवार को आपके सामने उपस्थित हूं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।